आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देवबंद में जनसभा है और इस जनसभा में लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस जनसभा में एक व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री के हमसकल। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री के गेटअप में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनके हाथों में डमरू है, डमरू बजाकर वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनेगी और 2024 में देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी। और उनके डमरू में साफ तौर से लिखा भी है, आप देखिए योगी 2022 और इधर पलट के देखिए तो मोदी 2024। और लगातार वो लोगों को बता रहे हैं, उन्होंने देखिए पोस्टर भी लगा रखा है जिसमें योगी जी और मोदी जी बने हुए हैं। भारतीय नमो सेवा दल द्वारा ये जन जागरण यात्रा है इनका, मिशन 2022, ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं। गेटअप देखिए इनका किस गेटअप में है, ऐसे लगेगा आपको कि मानो प्रधानमंत्री हम लोगों के बीच में खड़े हुए हैं। और लगातार ये जनसभाओं में जाते हैं, लोगों को बताते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं और प्रेरित करने का काम करते हैं कि 2022 में योगी सरकार को लाएं। हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस जनसभा को लेकर के क्या कहेंगे। ये जनसभा संपूर्ण देश के लिए, प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कारगर है। और जिस समय हम देश के प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ेंगे तो योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये गेटअप प्रधानमंत्री जी का आपने रखा है, लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज मोदी को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। मोदी जी ने अपने नेतृत्व में देश का गर्व और गौरव बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मेरे में उनको उनकी याद आ जाती है जो देश को चला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री यहां पर ATS कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेंगे, कितनी महत्वपूर्ण ये योजना होगी सहारनपुर के लिए? सुरक्षा की दृष्टि के लिए सहारनपुर ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है आज ये उनका उद्घाटन कार्यक्रम। क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं? मेरा नाम अभिनंदन पाठक है, मैं जनपद सहारनपुर में पैदा हुआ हूं और लखनऊ में रहता हूं। पूरे प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री पुनः बनाने के लिए मेरे द्वारा ये जन जागरण यात्रा निकाली जा रही है। यानी लगातार आप योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में एक बार फिर योगी सरकार लाइए और आपके लिए वो विकास कार्य करेंगे। मैंने कहा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी योगी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी योगी का नाम रहेगा। योगी जी तपस्वी हैं, योगी जी के राज में भयमुक्त समृद्धि युक्त शासन चल रहा है। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार मोदी जी के गेटअप में आप बोल के दिखाएं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं और उस लुक को हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे। भाइयों और बहनों, देश के लिए, प्रदेश के लिए 2022 में ना बुआ जरूरी है ना बबुआ जरूरी है, जरूरी है तो बाबा जरूरी है, इसलिए बाबा को लाना है और भयमुक्त प्रदेश चलाना है। देखा हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गेटअप में आए हुए वो शख्स मौजूद हैं जो जन जागरण चला रहे हैं और 2022 में योगी सरकार को पुनः लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। देवबंद से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।